We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमा रमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस पैटर्न की बात करने वाले हैं, वो जो है वो एक बहुत ही अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है। हालांकि रेयर जो है वो दिखाई देता है, लेकिन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के टर्म्स पे इस पैटर्न की बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंस है। जैसा मैंने बताया था अपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाले वीडियो में कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की जो लाइन होती है वो आपको बॉडी पे ड्रॉ होती है। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो पैटर्न है उसको हम कहते हैं बुलिश या बेरिश मारुबुजो। मारुबुजो जो होता है वो क्या होता है, उसका जो एक्चुअल में मीनिंग होता है वो बाल्ड होता है या शेवन हेड कहते हैं, शेव किया हुआ हेड है। मतलब दोनों ही टर्म्स में जो है वो आपको उसका शैडो नहीं मिलेगा, ये नहीं होता है, शैडो जो है वो नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको बॉडी जो है वो ग्रीन बॉडी मिलेगी बड़ी सी, या फिर आपको एक रेड मिलेगी बॉडी बड़ी सी। जिस बॉडी का कलर जो है वो ग्रीन होता है वो बुलिश मारुबुजो होता है, जिसका कलर रेड होता है उसको बेयरिश मारुबुजो कहते हैं। हालांकि इसमें भी इसके कई टाइप्स हैं। इसमें जो दो तरह के होते हैं, एक तो ये जो बड़ा कैंडल होता है वो आपका जो है वो ऑलमोस्ट लो के आसपास ओपन होता है, बुलिश की बात कर रहा हूँ, और हाई पे जाकर के बंद होता है। बेयरिश कैंडल जो है वो हाई के आसपास जो है वो ओपन होता है और लो पे जाकर के जो है वो बंद होता है। चार्ट पे आपको ये मंथली चार्ट है आईसीआईसीआई बैंक का, तो आप देख सकते हैं ये कैंडल जो है ये इसका लो है, ये हाई है ऑलमोस्ट, और ये बड़ी सी बॉडी है। ये हमारे लिए एक बुलिश मारुबुजो जो है वो लाइन, बहुत माइनर डिफरेंस है, अदरवाइज जो है ये बुलिश है। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बॉडी पे ड्रॉ करते हैं, तो उसी तरह से जो है वो हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये मंथली चार्ट है, तो आप ये 13-14 के बीच का लो है, और ये देखिए यहाँ से मार्केट गया इस जोन में आया और वापस से यहाँ पे, मैंने इसको भी जो है हाईलाइट करके रखा है क्योंकि यहाँ पे भी ये पैटर्न बना है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसका सपोर्ट लेकर के जो है ये वापस से बाउंस हो गया। तो ये पैटर्न जो होता है वो हमको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये तो हो गई आपको बुलिश या बेयरिश मारुबुजो की कहानी। अब इसकी जो दो टाइप्स है वो मैं आपको बता दूं कि एक होता है ओपनिंग मारुबुजो और एक होता है क्लोजिंग मारुबुजो। जो हम लोग, आप लोगों ने टीवी पे कई बार जो है वो सुना होगा कि ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो है, यानी कि मार्केट जो है वो लो पे ओपन हुआ है या हाई पे ओपन हुआ है, तो वो क्या होता है वो यदि मैं आपको बताऊं तो वो एग्जांपल जो है ये इसी आईसीआईसीआई बैंक के मंथली चार्ट पे मुझे दिख रहा है और मैंने उसको हाईलाइट करके रखा है। ये कैंडल जो है ये देखिए ये ऑलमोस्ट अपने हाई पे जो है ये ओपन हुआ है, फुल ऑन फुल मंथ जो है वो सेल ऑफ हुआ है और ऑलमोस्ट क्लोजिंग जो हुई है लो से थोड़ी ऊपर हुई है, लेकिन ओपन जो है वो आपका हाई पे हुआ है। तो इसको जो है वो हम ओपनिंग मारुबुजो कहेंगे, और ये चूंकि कैंडल रेड है तो ये हमारे लिए बेयरिश ओपनिंग मारुबुजो कैंडल है। लेकिन इसके साथ ही ये जो दूसरा, चूंकि ये यहाँ पे देखे ये जो है वो बुलिश मारुबुजो लाइन है और ये इसका सपोर्ट जोन है, इस जोन में था तो यहाँ पे इमीडिएट ऐसा ही कैंडल दूसरा फॉर्म हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये हमेशा ये होता है, पर ये हायर टाइम फ्रेम में जो है वो यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन था और वो वहां पे आया और उसको जो है वो उसको रीटेस्ट किया हाई और लो के बीच में और वहां से इमीडिएट बाउंस हो गया। ये हमारा चार्ट पैटर्न है। तो ये देख लीजिए कि ये नेक्स्ट महीने में जो है आईसीआईसीआई बैंक जो है वो लो पे ओपन हुआ है और हाई से जस्ट थोड़ा सा नीचे जो है वो आपका बंद हुआ है। तो ओपन इक्वल टू जो लो है वो ये एग्जांपल है, वहां पे हमारा ओपनिंग मारुबुजो कैंडल बनेगा। ओपन इक्वल टू हाई जो होता है वहां पे हमारा जो है वो यहाँ पे बेयरिश कैंडल रेड है, तो बेयरिश ओपनिंग मारुबुजो कैंडल जो है वो आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है
और इसका एक दूसरा है कि क्लोजिंग मारा बुझो, मतलब क्लोज जो है वो तो हाई के ऊपर होगा या लो पे होगा, और आपका ओपनिंग जो होगा वो थोड़ा सा लो, यदि बुलिश है तो वो लो से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, यदि बियरिश है तो हाई से थोड़ा नीचे हो सकता है। तो वो है, मैंने उसको भी यहाँ पे इसी चार्ट पे जो है वो हाईलाइट करके रखा है, वो है आपका ये कैंडल। इसके मैं हाईलाइट को हटा देता हूँ, ये तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हाई पे बंद हुआ है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस हो सकता है यदि, लेकिन थियोरेटिकली जो है वो हाई पे ही बंद होता है। और ये यहाँ पे वीक जो है शेडो जो है पार्ट वो बहुत ही छोटा है, आपको ये देखना होता है मारा बुझो कैंडल का बॉडी जो होता है ना वो कभी भी छोटा नहीं बनेगा, वो हमेशा आप उसको कंपेयर करके प्रीवियस कई कैंडल से देखेंगे तो वो बॉडी जो है उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी बॉडी बनती है। तो आप यहाँ पे इजिली जो है वो देख सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ भी कोई भी इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो प्रीवियस 10 कैंडल देख लीजिए, 10 सारे कैंडल में जो है वो बॉडी लाइन जो है वो इसकी जो है वो मारा बुझो कैंडल की जो है वो हमेशा बड़ी होती है। यहाँ पे आपको मोमेंटम जो है वो पूरा फास्ट दिखता है, आप जैसे यहाँ पे ये प्रीवियस ये यहाँ पे देखेंगे तो इसकी कैंडल जो है वो इन सब के बॉडी से बड़ी है। आप रेंज मत देखिएगा, आपको जो है वो बॉडी का पार्ट देखना है हमेशा, जो है कैंडलस्टिक जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग के रिलेटिव में देखी जाती है ना कि हाई एंड लो में। तो यहाँ पे इसीलिए बॉडी का इम्पोर्टेंस जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्लोजिंग मारा बुझो, तो क्लोजिंग मारा बुझो जो है ये आपका है, ये अपना जो है वो बड़ा सा कैंडल था ओपन हुआ रीटेस्ट हुआ और उसके बाद जो है वो हाई पे बंद हुआ। तो ये मारबूजो जो है ये तीन तरह का जो है वो हमने डिस्कस किया, एक जो है सिर्फ और सिर्फ हम चार्ट पे देखें तो एक हमारा जो है वो नॉर्मल जो है वो बुलिश या बेरिश मारबूजो जो है वो कैंडल होता है, जो ओपन जो होता है वो लो पे होता है और क्लोज जो होता है वो हाई पे होता है। तो ये हमारा जो है वो उसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद जो है वो हमने देखा कि ओपनिंग मारा बुझो जो है वो ओपन जो होगा या तो हाई पे होगा या ओपन जो होगा वो लो पे होगा, और दिन भर जो है ये चूंकि मंथली कैंडल है तो महीने पूरे महीने जो है वो मार्केट ट्रेंडिंग है, यानी कि एक तरफ का ही मार्केट रहेगा। यदि ओपन इक्वल टू हाई है तो उसके बाद जो है वो क्लोज ऑलमोस्ट लो के आसपास ही होगा, या ओपन इक्वल टू लो है तो वो हमारा ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही जाके बंद होगा, और रिलेटिव टर्म्स में बॉडी जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है प्रीवियस 10 कैंडल से। तो यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो हमारे ओपनिंग मारा बुझो का है, ये हमारा जो है वो ट्रेडिशनल मारा बुझो लाइन था, और ये जो है ये हमारा क्लोजिंग मारा बुझो का है जहाँ पे क्लोज जो है वो ऑलमोस्ट हाई पे हुआ है, लो हुआ रिटेस्ट हुआ और क्लोजिंग जो है वो हमेशा, और बॉडी जो है इसकी वो प्रीवियस आप देखिए 8-10 कैंडल से रेस्पेक्ट में बहुत ही बड़ी है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था मारा बुझो कैंडल पे, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।